अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ना सुबह का टाइम है और यहाँ पर आई हुई है हेल्थ विजिटर। ये जब से अनाबिया हुई है ना, ये हर वीक आती है, हर हफ्ते ये आती है देखने के लिए। इनको सारे वेट चेक करना होता है, दूध कितना पी रही है कितना नहीं, और सारी चीजें ये चेक करती है। तो हर हफ्ते यहाँ पे घर पर आते हैं देखने। तो फिर उसके बाद ना नाश्ता के बाद हम लोग चले गए थे शॉपिंग पे, क्योंकि सामान कुछ लेना था घर के लिए। तो और मेरी ना काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, मेरे गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था। तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी और मुझे एंटीबायोटिक बहुत रिएक्शन करती है। मुझे दवा खाने के बाद ना इतना चक्कर आता है मैं आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस बार ऐसा हुआ है कि मैं बच्चों की वजह से ना बिल्कुल भी नहीं लेटी। इस चक्कर में भी काम करती रही, बच्चों का ख्याल रखती रही, बस यहाँ की लाइफ ऐसी होती है। तो अब अल्लाह का शुक्र है मुझे आराम मिल गया है। तो यहाँ पर ना मैं फिश को एयर फ्राई करूंगी और थोड़ा मैं शॉपिंग करके आई हूँ। तो फिश ना मेरी पहले से रखी थी 2 पैकेट, एक मैंने उस दिन निकाल के बना ली थी, एक मैंने सोचा आज मैं एयर फ्रायर कर लेती हूँ। तो एयर फ्रायर में ना खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ना बड़ी जल्दी बन जाता है और बर्तन भी नहीं खराब होते, गंदे नहीं होते। मुझे ना पानी से ही प्रॉब्लम है, हाथों में दर्द होता है, पानी से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे शॉपिंग करके आई थी तो मैंने इनसे बोला मेरा ना मूंगफली खाने का बहुत मन कर रहा है, लीची तो इन्होंने अपने से जबरदस्ती ली, मुझे लीची बिल्कुल नहीं खाने का मन था, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने लीची भी लिया। मैंने कहा मुझे टैंगो भी पीना है ये भी, तो ये कह रहे तुम तो वेट लॉस कर रही थी तो मैं ये सब। तो मैंने इनसे बोला ना यही तो मेरा मेन टॉपिक है कि सब कुछ खाकर ही वेट लॉस करना है ना। तो ये कहने लगे ये कौन सा वेट लॉस करियो। खैर मैंने यहाँ पे जीरो शुगर वाली ही लिया था तो, लेकिन फिर भी ये नुकसान तो करती है। लेकिन मेरा मन था मैं क्या करती, मैं मन को नहीं मारना चाहती खाने पीने में। एक तो एवी में एक रोटी खाती हूँ और मन मार लूंगी ना तो फिर तो और भी मैं खा चुकी। मैं ना मन को नहीं मारना चाहती खाने में। तो इन्होंने बोला अच्छा गला तो खराब हो जाएगा ना, इतनी मुश्किल से ठीक हुआ। लेकिन ना मुझे गले की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं ठंडा लेती हूँ तो मेरा गला नहीं खराब होता, पता नहीं मेरे साथ क्या है। और अगर मैं गरम गरम चीजें लेती हूँ ना फिर मेरा गला खराब हो जाता। अभी मैंने यहाँ पे सारा सामान एडजस्ट किया है और अब बर्तन वॉश करके सारा बर्तन पोंछ कर रखूंगी। और यहाँ पे सोप आ गया था, ऑनलाइन शॉपिंग करी थी मैंने, ये तो सोप मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया था, शायद ये यहाँ पर नहीं आता डिटॉल। और यहाँ पे ना सब बाथ जेल यूज करते हैं तो मुझे बाथ जेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सोप पसंद है, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया था। तो यहाँ पे ना मैं अमायरा के लिए खाना रेडी कर रही थी, ये मैंने खुद घर में ही बनाया और अमायरा को इसमें पैक करके दिया ताकि उसे लगे कि मैंने बाहर से मंगाया है तो शायद वो खा लेगी। इनको खिलाने के लिए ना मुझे बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है अब ना मैं इसे 2-2 घंटे पे खाने में कुछ ना कुछ देती रहती हूँ सारा दिन, तो जबरदस्ती। यहाँ पर मैं लहसुन और इसमें काली मिर्च नमक डालकर लहसुन और अदरक को ना यहाँ पर इसे कूट रही थी, क्योंकि पिसा हुआ खत्म हो गया था तो मैंने सोचा ना थोड़ा सा रखा है, मैं ऐसे ही कुचर कर इसमें मिक्स करके लगा देती हूँ एयर फ्रायर में, क्योंकि मुझे कुछ मसाले इसमें डालने नहीं थे और सिर्फ काली मिर्च और अदरक लहसुन पेस्ट ही डालना था। क्योंकि ना ये मेरे हस्बैंड अक्सर मुझसे कहते रहते हैं हमेशा नमक मिर्च की चीजें ही खाओगी, मतलब मिर्ची मसाले सब कुछ, तो कभी सादा भी कुछ खा लिया करो। हमने कहा चले ठीक है आज आपकी ख्वाहिश पूरी करती हूँ मैं। तो मैंने इसमें नींबू डाला था, नमक डाला था, काली मिर्च डाली थी और अदरक लहसुन पेस्ट बस। तो लाल मिर्च हल्दी ऐसे ये सब चीजें डालती हूँ ना, थोड़ा सा बेसन, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं डालने दिया। मैंने कहा चले ठीक है इतने में। खैर मैंने बनाया बहुत अच्छी बनी थी और मैंने इसे खाया ना बड़ा मजा भी आया था, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल तो डाला नहीं था, हल्का सा बस लगाया था, तो बहुत ही टेस्टी लगा था मुझे। वैसे मैंने पहली बार ही खाया था इतना सिंपल सा टेस्ट, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे सबसे ज्यादा ना टेस्ट तो जो अच्छा लगा वो लगा, मुझे सबसे ज्यादा सुकून किस चीज का था, मेरा खाना भी इस टाइम बन गया और मैंने खा भी लिया और मेरे बर्तन भी नहीं खराब हुए, कोई बर्तन अच्छा, नहीं गंदे तो हुए। यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ, रात का 10:30 बज रहा है और यहाँ पे मैं कल सुबह की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग कहेंगे कि रात में ही सुबह की तैयारी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे अर्थराइटिस की वजह से ना तो सुबह में ज्यादा तकलीफ होती है तो शाम को कम हो जाती है, क्योंकि जो मेरी मेडिसिन है ना वो डॉक्टर ने मॉर्निंग में ही लेने को कहा है, वो नाइट में नहीं ले सकते, उसके साइड इफेक्ट बहुत है अगर खाकर सो जाए तो इसलिए वो दिन में ही लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद ही मेरा जो दर्द होता है ना वो कम होता है, तो इसलिए फिर मैं रात में ही सारी तैयारी करके रख देती हूँ।
तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी लाल मसूर की दाल मसाले वाली, मैंने अपनी बहन से फोन करके पूछा था यहाँ पर, और आलू और बैंगन की सब्जी, और अमायरा के लिए मैं अलग से चीज बनाऊंगी चिकन, क्योंकि ना अमायरा इसमें दाल में मैं मिर्ची डालूंगी, सब्जी में मिर्ची डालूंगी तो ये खाएगी नहीं। तो ये मैंने चिकन निकाला है अमायरा के लिए, तो इसको भी मैं वॉश करके इसमें थोड़े से मसाले डालकर ना रख दूंगी, और कल मैंने ये बना के दोपहर में दूंगी। तो सारी तैयारी ना मैं रात में अच्छे से करके, और अभी क्या करूंगी, एक सीटी लगा दूंगी सब्जी दाल में, फिर दूसरी सुबह लगा लूंगी। तो ये थोड़ा सा इस तरह से मैं कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं काम भी करती जा रही थी, और मैं ना अमायरा को अंडे बॉईल करके देने जा रही थी, क्योंकि हर 2 घंटे में मेरी कोशिश है कि मैं ना अब हर 2 घंटे में अमायरा को कुछ ना कुछ देती हूँ, चाहे वो चिप्स दूं बनाकर, या मतलब कुछ भी, एक एप्पल दे देती हूँ, एक बनाना कभी दे देती हूँ कभी, मतलब कुछ ना कुछ मैं हर 2 घंटे पे इसको देती रहती हूँ, योगर्ट दे देती हूँ कभी, तो मतलब कुछ ना कुछ जरूरी है, क्योंकि इतनी ज्यादा मेरी बच्ची पतली हो गई है ना कि मैं क्या ही बोलूं, इसका वेट किसी तरह बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं अमायरा से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अब ना मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ उस पर, और इंशाल्लाह मैं देखती हूँ 2-3 महीने बाद इसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि मैं बैठ कर अपने हाथ से ही खिला रही हूँ आजकल, वो बिल्कुल भी अगर मैं दे दूँ ना तो वो कुछ भी नहीं खाएगी। और मुझे डॉक्टर ने वो दिया एंटीबायोटिक, तो मुझे ना बहुत ज्यादा उसका रिएक्शन होता है, मुझे बहुत चक्कर आते हैं, और उसको खाने के 1 घंटे बाद बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। लेकिन ना बच्चों के साथ बिल्कुल भी आप रेस्ट नहीं कर सकते हो, अगर मैं लेट जाऊं ना चक्कर में तो मेरी बच्ची ने कुछ खाना ही नहीं है सुबह से शाम तक, और फिर ना मैंने बच्ची को देखना है। तो खैर, मैं मुझे इतना ज्यादा दवा रिएक्शन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं रिएक्शन में भी मैंने रेस्ट बिल्कुल नहीं किया, जो कि इतना चक्कर जब मैं उठती हूँ ना मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी, लेकिन फिर भी बस अल्लाह ने मुझे हिम्मत दे रखी है। खैर, यहाँ पे मैंने सफाइयां करी, सारा काम मैं खत्म करके, मॉप वगैरह करके, सफाइयां करके ना अब मैं जा रही हूँ रूम में। अब मैं जाकर अमायरा को अरबी पढ़ाऊंगी, क्योंकि ना आज लेट हो गया, ऐसे तो थोड़ा पहले पढ़ा लेती हूँ, मैं आज काफी लेट हो गया। यहाँ पे पड़ रही थी बर्फ, बड़ा ही अच्छा सीन लग रहा था, लेकिन वहां पे रोशनी इतनी नहीं थी तो बहुत ज्यादा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा था, रोशनी नहीं थी। और हस्बैंड का यहाँ पे मेरे फोन आया, उन्होंने बताया बर्फ पड़ रही बहुत ज्यादा, तो मैंने कल बड़ा प्यारा लग रहा, मुझे बाहर जाने का मन कर रहा, तो ये मुझे चिढ़ा रहे, हाँ हाथ बचेंगे तुम्हारे। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, लेकिन मैंने नहीं सोचना था, मुझे एंजॉय करना था बर्फ में, लेकिन ना रात थी इसलिए मैं जा नहीं सकती थी, तो और ये भी नहीं थे, अगर ये होते तो फिर भी मैं सोच लेती एक बार। खैर, मैं यहाँ से अपना व्लॉग बंद करती हूँ, आप लोग बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।